नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिंदी वाक्य के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, लगा हुआ होता है, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हिंदी वाक्य के पीछे भी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें समय के साथ से लगा हुआ होता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब यहां 2 घंटे समय है, इसके साथ ये से लगा हुआ है। अब से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब निश्चित समय के साथ सिंस लगता है और निश्चित अवधि के साथ फॉर लगता है। अब निश्चित समय कौन होता है और निश्चित अवधि कौन होती है, उसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे दिसंबर से, मंगलवार से, 25 मार्च से, 2010 से, सुबह से, शाम से, यह निश्चित समय है, इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। और निश्चित अवधि कौन सी होती है, जैसे 4 माह से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 2 दिन से और 10 वर्ष से, यह निश्चित अवधि है, तो इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है। वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, वाक्य के पीछे है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। फिर रहा लिखा हुआ है और 2 दिन टाइम भी लिखा हुआ है और से भी लिखा, इससे हमें ये पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का वाक्य है तो हम पहचान होगी, उसके बाद हम लिखते हैं उसका फॉर्मूला अंग्रेजी बनाने का। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, दोनों में से एक आएगा हैज आएगा या हैव आएगा, वो आपको बताया ही सी इट नेम और एक वचन के साथ तो हैज आता है, आई डी यू दे और बहुवचन के साथ हैव आता है, चाहे हैज आओ चाहे हैव आओ, दोनों में से कोई भी आओ उसके साथ बीन लगेगा। फिर वर्ब होगी और वर्ब में आईएनजी आएगा और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक आएगा या तो सिंस या फॉर, और उसके बाद जो टाइम होगी वो आएगी, यहाँ टाइम क्या है 2 दिन, तो वो 2 दिन आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है, वह। फिर एज है वो हम लगा देंगे, बीन साथ में जुड़ जाएगा, फिर आता वर्ब यानी काम, यहाँ काम क्या हो रहा है पढ़ने का, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अब क्या पढ़ रहा है तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट। फिर सिंस या फॉर हम लगा देंगे और उसके बाद लगाएंगे टाइम, टाइम यहाँ है 2 दिन। अब शुरू करते हैं वाक्य, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट वह, अब वह लड़का है तो भी हम वह बोलेंगे, लड़की है तो भी वह बोलेंगे, तो यहां पता करेंगे कि ये लड़का है या लड़की है, तो वाक्य के पीछे जाएंगे, पढ़ रहा है इसका मतलब ये लड़का है, अगर लड़की होती तो पढ़ रही है, तो लड़का है इसलिए पुल्लिंग के लिए वह का ही लगता है ही। अब है या हैव में से आएगा तो हमने देखा ही सी इट नेम वो एक वचन के साथ हैज लगता है, तो ही है ही के साथ हैज, ही सी इट नेम और एक वचन के साथ हैज लगता है, हैज लग गया, चाहे हैज लगो और हैव लगो उनके साथ बीन लगता है बीन। अब आता है वर्ब, वर्ब है पढ़, पढ़ने को बोलते रीड R E A D और वर्ब के साथ लगता आई एन जी, तो रीड के साथ आई एन जी लगने से बन गया रीडिंग। अब आएगा
ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? किताब। तो किताब को अंग्रेजी में बोलते हैं बुक। अब सिंस या फॉर में से एक आएगा, तो अब हमें देखना है निश्चित समय है या निश्चित अवधि है। तो यहां निश्चित अवधि है क्योंकि दो दिन है, कोई फिक्स नहीं बताया, तो यहां आएगा फॉर। फिर टाइम, दो दिन, दो दिन को बोलते हैं टू डेज। तो वह दो दिन से किताब पढ़ रहा है, उसका अंग्रेजी बना ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर टू डेज। अब अगला उदाहरण हम करते हैं, हम मंगलवार से विद्यालय जा रहे हैं। वाक्य के पीछे है लिखा हुआ, इसका मतलब टेंस तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा भाग है? तो यहाँ रहे हैं, से भी है और टाइम भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, हम हैज या हैव हम लगा देंगे, फिर आ जाएगा बीन और उसके बाद आएगा वर्ब। तो यहाँ वर्ब काम क्या हो रहा है? जाने का। वर्ब में आईएनजी लगाना है और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है? विद्यालय, तो ऑब्जेक्ट हो गया विद्यालय। फिर सिंस या फॉर लगाएंगे और फिर होगा टाइम, तो टाइम क्या है? मंगलवार। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, हम, हमको बोलते हैं वी। फिर हैज या हैव में से हमें एक लिखना होता है, तो आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव लिखेंगे, तो यहां आएगा हैव। फिर प्लस बीन तो लिखना ही है, अब प्लस वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? जा, जाने को बोलते हैं गो और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या? विद्यालय को बोलते हैं स्कूल। फिर सेंस या फॉर, तो अब समय देखो निश्चित है मंगलवार, निश्चित समय, तो निश्चित समय के साथ लगता है सिंस, एस आई एन सी, सिंस मंगलवार ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। जैसे हम मंगलवार से विद्यालय जा रहे हैं, अगर कोई वाक्य हुए हम मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो इसमें कोई खास परिवर्तन करना नहीं है, केवल यहाँ वर्ब के आगे नहीं लगाया तो हमें यहाँ पर बीन के आगे नॉट लगा देना। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। और अगर प्रश्नवाचक नेगेटिव है, क्या हम मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो यहां से यह सहायक क्रिया है होती है वो आगे ले आएंगे। हैव वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, केवल सहायक क्रिया यहां से उठाकर आगे रखी है, केवल सहायक क्रिया को यहां से उठाकर आगे रखना होता है। अब अगर कोई आ जाओ वाक्य, क्या हम मंगलवार से विद्यालय जा रहे हैं, नहीं हटा, तो यहां से नॉट बी हटा दो। हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूजडे। अब कभी कभी ऐसा भी वाक्य आता है, हम मंगलवार से विद्यालय क्यों जा रहे हैं, तो क्यों का मतलब होता है वाई, तो यहां आगे वाई आ जाएगा। केवल इतना सा परिवर्तन करना, हम मंगलवार से विद्यालय क्यों जा रहे हैं, क्यों आया, तो क्यों की जगह वाई आ जाता, आगे सबसे आगे वाई आ गया। क्या या क्यों आगे होता है, तो सहायक क्रिया आगे लानी होती है,
अगर क्या या क्यों बीच में होता है तो सहायक क्रिया आगे होती है प्लस डब्ल्यू वाला वाक्य आगे लिखना होता है। ऐसे ही और ज्ञान वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डाउन हेल्थ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।